एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीट्रॉन बेसबर्ड्स की, जो हैं एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। पीछे की तरफ दी हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस और एमआरपी है 2500 रुपये। आपको ये अमेज़ॉन पे लगभग 1000 रुपये के मिल जाएंगे। चलिए अब जल्दी से इसके बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल, उसके बाद हमारे ईयरबड्स लेफ्ट और राइट के इंडिकेशन के साथ, और है ये चार्जिंग केस। इसे अभी के लिए रख देते हैं और देख लेते हैं हमें और क्या मिला है। एक चार्जिंग केबल जो है माइक्रो यूएसबी, और उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, दो पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आपको मिलते हैं। तो ये रहे हमारे ईयरबड्स। आपको इन्हें छूते ही पता चल जाएगा कि ये चीप क्वालिटी प्लास्टिक से बने हैं। बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेफ्ट और राइट का मार्किंग दिया है और साथ ही चार्जिंग पोर्ट, और दिखने में बिल्कुल डमी जैसे लगते हैं क्योंकि ये बहुत हल्के हैं और चीप क्वालिटी प्लास्टिक से बने हैं। केस भी वही सेम प्लास्टिक का है और बिल्कुल भी अच्छा फील आपको नहीं देता और बहुत ही हल्का सा है। बाकी वायरलेस ईयरबड्स की तरह इनका केस भी इन्हें स्टोर और चार्ज करने के लिए, मतलब दोनों काम ये आता है। आपको स्पेसिफिक जगह दी हुई है जहाँ पे आपको लेफ्ट वाला ईयरबड डालना है और कहाँ आपको राइट वाला ईयरबड डालना है। उसके बाद आपको ये बीच में जो बटन दिया है इसको प्रेस करना है और ये चार्ज होने लगेंगे। आप देख सकते हैं जब ये पूरे चार्ज हो जाएंगे तो ये रेड एलईडी ब्लू हो जाएगी, और सामने की तरफ आप देख सकते हैं पीट्रॉन की ब्रांडिंग, और ये चार एलईडी इंडिकेट करती हैं कि आपके पावर बैंक में कितनी बैटरी है, यानी कि इस केस में। और इस केस की जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 400 mAh, और ईयरबड्स की इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है वो है 50 mAh की। एक बार फुल चार्ज होने पे ये लगभग 3 से 4 घंटे कंटिन्यूसली चल सकते हैं, और ये केस इन ईयरबड्स को 2 से 3 बार फुल चार्ज कर देता है। यानी केस के साथ आपको जो बैटरी बैकअप मिलता है वो है लगभग 12 घंटे, और मैं कहूँगा कि 1000 रुपये के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। फ़ोन से पेयर करने के लिए आपको इन ईयरबड्स को केस से बाहर निकालना है, और आप देख सकते हैं कि ये पेयरिंग मोड में चले गए हैं। रेड और ब्लू लाइट दोनों ईयरबड्स में जल रही है, लेकिन अब जो राइट वाला ईयरबड है उसमें सिर्फ ब्लू लाइट जल रही है, जिसका मतलब है कि ये दूसरे वाले ईयरबड से पेयर हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक ईयरबड को अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है, और जो हमारा म्यूज़िक है या जो भी हम प्ले करना चाहते हैं वो हमें दोनों ईयरबड्स में सुनाई देगा। बाकी ईयरफोन्स की तरह इन्हें पेयर करना भी काफ़ी आसान है। आपको बस अपने ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाना है, और आप देख सकते हैं पीट्रॉन बेसबर्ड्स यहाँ पे शो हो रहा है। आपको बस उस पर टैप करना है और पेयरिंग हो जाएगी। पेयर पे क्लिक करेंगे और आपके जो ईयरबड्स हैं वो पेयर हो चुके हैं, और बैटरी इंडिकेटर 70% बैटरी है अभी ईयरबड्स में। दोनों ही ईयरबड्स के ऊपर आपको क्लिक बटन्स मिलते हैं। आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका म्यूज़िक प्ले हो जाएगा, दोबारा अगर आप क्लिक करेंगे तो पॉज हो जाएगा। उसी तरह बाकी फंक्शंस भी काम करते हैं, जैसे प्रीवियस एंड नेक्स्ट सॉन्ग। इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेरे पास पीट्रॉन का एक वायर्ड ईयरफोन्स हैं जिनका रिव्यू मैंने किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और मेरे पास पीट्रॉन का एक नेक बैंड भी है जो 1000 रुपये के अंदर मुझे बेस्ट नेक बैंड लगा, और जिनकी साउंड क्वालिटी और बैटरी बैकअप दोनों ही बहुत ही कमाल का था। लेकिन यहाँ मुझे उस तरह की क्वालिटी पीट्रॉन में देखने को नहीं मिली। उन प्रोडक्ट्स को देख के ही मैंने पीट्रॉन के ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स मंगाए थे, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस था।
पीट्रॉन बेसबड्स में मुझे बैटरी बैकअप के अलावा और कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। अगर आप मूवीज़ और वीडियोस के लिए इन्हें लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, क्योंकि कानों में आराम से फिट हो जाते हैं और बैटरी बैकअप तो अच्छा है ही। लेकिन अगर आप म्यूज़िक के लिए इन्हें लेना चाहते हैं तो मैं इन्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका बजट 1000 रुपये है और आप एक ब्लूटूथ ईयरफोन्स लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा है आप पीट्रॉन के ही टेंजेंट ईवो, एक नेक बैंड है, आप वो लें। उसकी साउंड क्वालिटी और बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। उनका रिव्यू वीडियो भी बहुत जल्द ही आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।